आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे भरैया के शिव मंदिर, भगवान शिव के शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर किया विधिवत पूजा अर्चना। प्रदेश व संसार से कोरोना महामारी को दूर करने की भगवान शिव से प्रार्थना। जनपद के 1000 स्नातक व अपरस्नातक छात्र व छात्राओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैबलेट व स्मार्टफोन का किया निःशुल्क वितरण। कहा, अब देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य के युवा बनेंगे स्मार्ट। लाभार्थी छात्र व छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी को दिया धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 70 करोड़ रुपए की कुल 24 परियोजनाओं का किया शिलान्यास लोकार्पण। कहा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, यह है असीमित और आपको उसके लिए अपने आप को करना होगा तैयार। अगर आप उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो यह मानकर चलिए कि आपका भविष्य है उज्जवल। विकासखंड भरोइया में स्थापित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। परिसर में रुद्राक्ष के पौधे का किया पौधरोपण। कहा, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ भरोइया के हर एक व्यक्ति को थे नाम से जानते, भरोइया से था विशेष लगाव। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजय सिंह व उनकी टीम को मूर्ति स्थापित करने के लिए दिया धन्यवाद। गोरखपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते जा रहे हैं मामले। शुक्रवार को 106 पाए गए नए मरीज। जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 253। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत होने वाले विकास कार्यों की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की समीक्षा बैठक। कहा, विकास कार्यों में लापरवाही इच्छा में नहीं। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 401 केंद्रों पर 40,763 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 29,499 लोग तथा सेकंड डोज लेने वालों में 11,264 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, सभी लोग करवा लें वैक्सीनेशन ताकि इस कोविड महामारी को जल्द से जल्द किया जा सके समाप्त। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 22 जनवरी को दीवानी न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। बिना मुकदमा दर्ज कराए वैवाहिक मामलों का किया जाएगा निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार दित्य ने दी जानकारी।